मुझे लगाना नहीं आता है। बेटी को पसंद है इसलिए कोशिश करती हूँ, बट मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल के आर मानसी। आज है राखी और शाम को हम लोग राखी मनाएंगे, क्योंकि मुहूर्त जो है शाम का ही है, 9:30 के बाद का मुहूर्त है, तो शाम को ही भाई बहन राखी मनाएंगे। तो तैयारी अभी शाम से शुरू हो रही है। अजीब लग रहा है ना, हर साल सुबह स्टार्ट होती है, इस बार शाम को, हर जगह शाम को मन रहा है राखी। कोई कोई कल मना रहे हैं, सुबह 7 बजे तक का है ब्रह्म मुहूर्त तक। पहले इसको मेहंदी लगा लूँ, फिर उसके बाद आज हमारे यहाँ स्टफिंग वाली इडली बनेगी, नारियल और गुड़ का, वो भी शेयर करूँगी। लास्ट ईयर भी शेयर किया था, लास्ट ईयर पहला राखी था, इस साल मेरे दोनों बच्चे की दूसरी राखी है, तो वो भी शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद रक्षाबंधन करेंगे सेलिब्रेट। और डेरी मिल्क नहीं आया, हेलो डेरी मिल्क नहीं आया, आप लेके आना। वो डार्क फैंटेसी लेके आई है, बोला मुझे ये चाहिए। डेरी मिल्क चाहिए प्लीज, मेरे लिए डेरी मिल्क ले आना, मेरा भाई है तब तो लाता। A few moments later. कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन में। और मेरा हाथ ठंडे पड़, इसने अपना भाई का नाम भी लिखा है शीनू। अच्छा, ये पीछे मैं भर देती हूँ, फिर तू हाथ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ना, सारा बिगड़ जाएगा, छोड़ दे छोड़ दे। खुश हो? ये देखो, इस हाथ पे भी नाम लिखा है मेरा। किसका? ये डेयर था, डेयर डेविल। नहीं, ये मुझे मेरे दोस्त ने डेयर दिया था कि मैं लिखवाऊं मेहंदी से। अच्छा, ओके, तभी लिखवाया मैंने काम। वो मेहंदी लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और सुबह इतना बच्चों का स्कूल था, क्योंकि राखी 2 दिन सेलिब्रेट हो रहा था, 30 और 31 को। तो पंजाब में 31 को सेलिब्रेट कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग 30 को कर रहे थे, लेकिन मेरे बच्चों का स्कूल 31 को छुट्टी था, तो बुधवार को ये लोग स्कूल गए थे, तो वही टिफ़िन वगैरह धो के रख दिया था, और नेक्स्ट डे इनका छुट्टी था, तो टिफ़िन वही अच्छी तरह से ड्राई करके अंदर रख रही थी। और तब तक देखिए मैंने सांभर और इडली चढ़ा ली थी, तो पहले मैंने एक स्लॉट ना प्लेन वाली इडली बनाई, फिर उसके अंदर मैंने स्टफिंग बना ली, कद्दूकस व नारियल, थोड़ा सा इलायची पाउडर और गुड़। इसको मैं अच्छी तरह से हाथ में मिक्स कर लूँगी। तो कभी कभी मम्मी क्या करती है ना, मैंने घर पे देखा है मेरे, तो जो वो स्टफिंग होती है नारियल और गुड़ को ना कढ़ाई में धीमी आंच में ऐसे फ्राई करते हैं, क्योंकि कोकोनट का तो ऐसा ही एक ऑयल निकलता है ना, तो उसी से वो थोड़ा सा फ्राई हो जाता है और वो भी अच्छा लगता है। बट मैं ऐसे बनाती हूँ, कभी वैसे बना रहती हूँ, कभी ऐसे। तो राखी के दिन मैंने ऐसे नॉर्मल हाथ में मिक्स कर दिया था। तो फिर आ गई थी मैं किचन, फिर आ गई थी मैं बर्तन साफ़ करने थोड़े से, क्योंकि लक्ष्मी चली गई थी राखी के लिए अपने घर 2-3 दिन, मतलब वो संडे को आने वाली थी, तो सारा काम मेरे ऊपर ही था, बर्तन साफ सब कुछ मैं ही कर रही थी अभी। तो वही बर्तन, थोड़े से चाय के बर्तन थे, वो साफ़ कर रही थी। और जब तक मैं वहाँ से आई तो देखिए इडली रेडी हो गया था। तो अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने तक रख दूँगी, फिर इसको निकाल दूँगी। तो 5-7 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसको निकाल दिया, और बहुत ही सॉफ्ट बना था। और ये जब निकालने के बाद ना, फिर मैं दूसरा स्लॉट जो चढ़ाऊँगी और उसमें मैं नारियल का स्टफिंग देके चढ़ाऊँगी, क्योंकि वो राखी में हमारे यहाँ बनता ही बनता है। जैसे सबके यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ, मैं जो मेरे घर में लक्ष्मी काम करती है वो बोलती है दीदी राखी को हमारे यहाँ सेवैया का खीर बनता है, तो वैसे ही हमारे यहाँ इडली स्टफिंग वाली इडली बनती है राखी को। तो अभी देखिए फर्स्ट स्लॉट तो निकाल दिया, अभी उसी में जैसे नॉर्मल जैसे बैटर डालते हैं ना, वैसे बैटर डाल दो, ऊपर से सिर्फ ये जो स्टफिंग मैंने रेडी किया है इसको ऊपर से ही रख दो, तो हो गया। अब इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। चढ़ा लिया स्टफिंग वाला, अभी देखिए छौंका लगाऊंगी मैं सांभर में। तो सांभर मैंने अरहर दाल और कद्दू डाला है, और बैंगन वगैरह नहीं डाला, थोड़ा सा कद्दू डाल दिया था, और उसको अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद मिक्स कर लिया। और फिर उसमें जब मैं डाली थी ना नमक, हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सांभर मसाला डाल के मैंने बॉईल किया था। अभी छौंका लगाऊंगी, हींग मतलब तेल में थोड़ा सा राई, हींग, कड़ी पत्ता और एक जो बड़ा सा कश्मीरी मिर्च आता है साबुत वाला, उसी का छौंक लगाया मैंने। और अब ये मुझे ज़्यादा थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको और थोड़ा सा मतलब 2 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच में थोड़ा सा पकने दूंगी, फिर हमारा सांभर रेडी हो गया। मेरे घर में सांभर ऐसे ही सब खाते हैं, और सब्जी में गाजर डल सकता है, बट बैंगन थोड़ा सा सब मना करते हैं मत डालो, तो मैं कद्दू या लौकी होता है तो लौकी डाल के बनाती हूँ। देखो गर्म हो रहे हैं, हो गया, कल इसका रंग और निखरेगा, ऐसे दिखाओ ना इधर से। ये 3 घंटे रखने के बाद है, पूरे 3 घंटे।
फाइनली शाम का टाइम हो गया था, मतलब रात के 9:03 के बाद कम हो रहा था वो टाइम आ गया था। तो दोनों बच्चे बैठ गए थे राखी सेलिब्रेट करने के लिए और हम भी उसके साथ। और बेटा तो ऊपर ऐसे रुमाल डाल ही नहीं रहा था, पता नहीं कि उसको लग रहा था कि निकाल दो। उसका मन स्थिर था कि वो सेलिब्रेशन मुझे जल्दी मिल जाए, उसमें टॉफ़ी है। और मुझे भी ना अपने बचपन की याद आ गई थी, मम्मी हम जब राखी बांधते थे मेरी मम्मी मेरे भाइयों को देती थी तीन, मतलब हम दोनों बहन के लिए एक एक पेन के लिए और एक डेरी मिल्क के लिए, तब भी डेरी मिल्क था मुझे याद है। तो फिर ना मेरा भाई क्या करता था, जो छोटा वाला भाई और मेरा मतलब बड़ा वाला भाई, तीनों दोनों भाई क्या करते थे, देते थे और जब राखी ख़त्म हो जाती थी हमारे साथ भी शेयर करो बोलते थे। तो वो मोमेंट मुझे याद मतलब आ रहा था और इतनी हंसी आ रही थी ना, क्या करें अभी मेरे अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाती हूँ, वो लोग बहुत दूर है तो मैं भेज देती हूँ। राखी हो गया था बांधना, फिर बारी थी हस्बैंड की। और मेरा बेटा तीन राखी बांधता है, एक उसके दीदू का, एक मेरी जेठानी की बेटी वो राखी भेजती है जो कि मेरी बेटी से छोटी है लेकिन शीनू से बड़ी है, और एक मेरी ननंद की बेटी भेजती हैं। तो दोनों राखी शीनू ने तीन राखी बांध ली। फिर उसके बाद जो ननंद ने उनके भाई के लिए राखी भेजी थी तो वो बेटी ही बांधती है, और ये राखी बांधेगी और पापा से गिफ्ट लेगी क्योंकि वो बुआ का राखी बांधती है इसीलिए। तो वही मैं हंस रही थी कि राखी बुआ को भी गिफ्ट जाएगा और तुझे भी गिफ्ट जाएगा ना, हाँ मुझे भी गिफ्ट मिलेगा क्योंकि मैं बांधती हूँ। और इसके बाद बारी थी डिनर की, और डिनर में वही हमने बना दिया था जो इडली स्टफिंग वाली, और उसके साथ सुबह मैंने ना चना दाल और मूंगफली की चटनी बनाई थी क्योंकि टिफ़िन में बच्चे लेके गए थे तो वो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था तो वो रख दिया था। उसके साथ चटनी और सांभर, साथ में मिठाई तो था ही। सब ने बोला कि ये प्लेन इडली खाएंगे, ये स्टफिंग वाला थोड़ा कम खाएंगे, बट ज़्यादा सब ने स्टफिंग वाली खाई, इतनी अच्छी बनी थी। सांभर चाहिए आपको? सांभर चाहिए? कैसा बना है बेटा? परफेक्ट? हाँ? तो खाना पीना हो गया, उसके बाद बारी थी किचन क्लीन करने की और सारे बर्तन क्लीन करने की। उसके बाद राखी का दिन ख़त्म हो गया और हमारा राखी सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो गया और बहुत ही मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहता है और जब भी मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ ना, एक भी कोई कॉमेंट देता है मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा इसलिए इसने कॉमेंट दिया। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।